रोहित को जिम जाना बहुत अच्छा लगता था। वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करता था, दिन में 10 लीटर दूध पीता, 20 अंडे खाता और पौष्टिक खाना खाता। उसका एक ही सपना था कि वो मिस्टर इंडिया बने और सब उसको पहचानने लगे। उसका कोच सुरेश उसको हमेशा गाइड करता था। रोहित, डंबल्स को ऐसे पकड़ो, इससे तुम्हें चोट भी नहीं लगेगी और यही सही तरीका है एक्सरसाइज करने का। सुरेश बहुत ही लालची था और उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। एक बार एक सेल्समैन ने सुरेश को एक प्रोटीन पाउडर का डब्बा दिया और बोला कि इस पाउडर को अपने जिम में आने वाले को बेचो, 20% कमीशन मिलेगा। पर इस प्रोटीन पाउडर से एक आदमी मर गया था पिछले महीने, तुम ये पाउडर क्यों बेच रहे हो? कोई इस पाउडर को खाके नहीं मरा, ये तो अफवाह थी। अच्छा सुनो, तुम 30% कमीशन रख लो, पर ये प्रोटीन पाउडर जरूर बेचना। सुरेश को लगा कि 30% का सौदा अच्छा है। उसने सेल्समैन से प्रोटीन पाउडर ले लिया। रोहित भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। सर जी, क्या लाए आप मेरे लिए? प्रोटीन पाउडर। अभी ये पाउडर का इस्तेमाल किया है मैंने, बहुत अच्छा है, ये तुम्हें मिस्टर इंडिया बना देगा, इसे यूज करो। बहुत बढ़िया सर, पर इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ना? मुझे दवाई से रिएक्शन जल्दी होता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। अरे नहीं नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा सर। रोहित ने सुरेश से प्रोटीन पाउडर लिया और पैसे दिए। रोहित ने घर जाके पाउडर खाया। उसका सर भारी होने लगा, वो वर्कआउट करके थक चुका था। वो अपने कमरे में जाके सो गया। फिर आधी रात में रोहित को जोर से सर दर्द होने लगा। वो घबरा के उठ गया। ये सर में बहुत भयानक दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दवाई खा लेता हूं। अरे मैं शीशे में नजर क्यों नहीं आ रहा? पर मेरे हाथ में जो ग्लास है वो तो हवा में उड़ रहा है, ये क्या हो रहा है? लगता है मैं अभी भी नींद में हूं। अरे ये मेरे पलंग में कौन लेटा है? पर ये तो मेरे जैसा ही लग रहा है, मेरे कपड़े पहना है, ये क्या हो रहा है? ये तो मैं हूं, पर अगर ये मैं हूं तो मैं कौन हूं? ये तो मर गया है, मैं मर गया हूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मिस्टर इंडिया बने बिना नहीं मर सकता, मैं नहीं मर सकता। मुझे इसका रिएक्शन हुआ है, पर सुरेश ने तो बोला था कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उसने मुझसे झूठ बोला, इतने से पैसों के लिए उसने मेरी जान ले ली, मेरा परिवार, मेरे सपने सब टूट गए, सुरेश मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर रोहित सुरेश के घर की तरफ बढ़ा। रोहित सुरेश को उसके घर में ढूंढने लगा। तभी उसे वो पाउडर के और डिब्बे दिखे, साथ में बिल भी रखा था। रोहित को सारा किस्सा समझ आ गया। वो उसमें से एक डब्बा लेके सुरेश की बेडरूम में गया। ये कमबख्त मुझे मार के यहाँ सोया पड़ा है। फिर रोहित उसके रूम में रखे एक शोल्डर लैट पुल डाउन मशीन पे एक्सरसाइज करने लगा। वजन की आवाज होने लगी, जिससे सुरेश आंख मलता हुआ उठ गया। अरे ये मशीन अपने आप कैसे चल रही है, इस पे तो कोई नहीं है। सुरेश सर, सबको सुला के उठ गए। कौन है वहाँ? सर आपका मिस्टर इंडिया।
आपने तो मुझे सच में मिस्टर इंडिया बना दिया। अब मैं किसी को नजर नहीं आता हूँ। कौन? रोहित? कुछ पल के लिए सन्नाटा हो गया और तभी वो प्रोटीन पाउडर का डब्बा सुरेश की तरफ बढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हो रोहित? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सर डरो नहीं, मैं आपको 90% कमीशन दूंगा। ये बोलकर रोहित ने सुरेश के मुंह में सारा डब्बा खाली कर दिया। उसके बाद बाजू में पड़े डंबल्स उठाए। सर आपने मुझे सही तरीका बताया था डंबल्स उठाने का। अरे सर ये डंबल संभल नहीं रहे मेरे से।